खरीप हंगाम 2021-22 खरीप पिकांकरिता किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यानंतर बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली। धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत 72 रुपयांची, जवारच्या एमएसपीत 118, बाजरीच्या एमएसपीत 100 रुपयांची, तूर आणि उडीदाच्या एमएसपीत 300 रुपयांची, भुईमुगाच्या एमएसपीत 275 रुपयांची, तिळाच्या एमएसपीत 452 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे। युरियासंबंधीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे। नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रेल्वेला 4G स्पेक्ट्रम पुरवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं। रेल्वेला आता 700 MHz बँडमध्ये 5 MHz स्पेक्ट्रम पुरवलं जाईल, ज्यामुळे अद्ययावत रेडिओ तंत्रज्ञानामुळे रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित होईल आणि ऑप्टिकल फायबरच्या ऐवजी संपर्कासाठी हे तंत्रज्ञान वापरलं जाईल। रेल्वे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी, अब 5 MHz स्पेक्ट्रम ये 700 MHz के बैंड में दिया जाएगा तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। येत्या 5 वर्षात रेल्वे सिग्नल व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि स्पेक्ट्रमच्या अंमलबजावणीसाठी 25,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत।